जय देव उत्तराखंड। साथियों, आप सभी को मेरे साथ नमस्कार। आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो इस वक्त मैं आपको एक बहुत सुंदर से गांव की तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, चारों तरफ जहां तक नज़र पड़ती है हरियाली है और सारे खेत हरे भरे हैं और पूरी खेतीबाड़ी यहां पर हो रही है। इस बात से साफ पता लगता है कि यहां से कहीं दूर दूर तक पलायन नहीं है। और ये गाँव कौन सा है मैं आपको फिलहाल नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे न जाने कितने लाख की लागत से ये बोर्ड कभी बना होगा, ये द्वार यहाँ पर बना होगा, लेकिन कहीं पर भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा ये गांव है। तो मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ। अब मैं चलूँगा इस गेट के पल्ली तरफ से और देखने का प्रयास करता हूँ कि क्या इस पर लिखा गया है। अब इस तरफ भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर भी कहीं से कोई नाम नहीं है। अब एक छोटा भवन बना हुआ है, उस पर मैं देखने का प्रयास करता हूँ। ये कुछ कुछ समझ तो आ रहा है, लेकिन राज्य वित्त के अंतर्गत प्रतीक्षालय निर्माण बावई और आगे पता नहीं क्या, 1.25 लाख मनरेगा कार्यदायी। चलिए, कहीं ना कहीं काम भी हुआ होगा, लेकिन इसे तो चलो मान सकते हम कि लोगों ने आप बैठने के बाद में तोड़ दिया, फोड़ दिया, को लिख दिया, पर इतनी ऊंचाई पर तो कोई चढ़ नहीं सकता। साथियों, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह से ये द्वार बनने चाहिए शोभा बढ़ती गांव की, लेकिन इस पर लिखा भी तो होना चाहिए कि आखिर है कौन सा गांव। तो ये बड़े दुर्भाग्य विषय है पहाड़ों के अंदर। कुछ लोग हम भी गलती करते हैं, बोर्ड लगते थे लोग तोड़ फाड़ देते हैं, पर इसको तो किसी ने तोड़ा भी नहीं है, ये तो काफ़ी हाइट पर है। तो इस पर जो है अंकित होना चाहिए था कि आखिर कौन सा गाँव है ये। फिलहाल मैंने देखा बगल में लिखा बावई, और किसी से मैंने पूछा भी है, उनका कहना है भाई कैमरे पर आने पर मैं इसे बता दूंगा आपको, यहाँ का बहुत बुरा हाल है। और बताया जा रहा है कि ये जो गांव है ये बावई गांव है, जो कि रुद्रप्रयाग ज़िले का सबसे बड़ा और सुंदर गांव है। लेकिन सुंदरता जिन गढ़वाली बोलना कि बारी सगवा और गोरी नबटी, तो हम लोग तो अपना जो द्वार मार छन, जो आंगन छन, जो हमारा मुख्य द्वार छन, उस हमेशा साफ रखा चन, ठीक रखा चन। तो आप सब तो मेरे नमस्कार संदेश में आप चबन चाला अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दान। जय देव भूमि उत्तराखंड और धन्य सन माता बहनी जो कि अभी भी खेती जिंदा रखी छा हमारे थोड़े खास पट्टी साइड में टेरी डाल लगभग सारू जी से बंजर होगी, किले कि हमारे समस्या ये भी है कि जंगल जाना बहुत ज़्यादा होगी। एक फिलहाल न बांध रोड़ी कुछ नहीं दिखा रहे हैं, यह मतलब भगवान की कृपा ठीक ठाक से। तो चला मिलना फिर अगले कहे कि वीडियो में। नमस्कार।